नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 5 माह बाद टिकट काउंटर खुलने से स्टेशन परिसर में उमड़ी लोगों की भीड़, सरकारी गाइडलाइंस की जमकर उड़ी धज्जियां। बड़ी घटना की साजिश रच रहे एक अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 5 जिंदा बम बरामद। ट्रक चालकों को नशीली दवा खिलाकर लूटपाट करने वाले अपराधी को नवगछिया पुलिस ने दबोचा, भारी मात्रा में दवा बरामद। चौकीदार की नियुक्ति को लेकर डीएम ने अनुकंपा समिति की बैठक, स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर रिपोर्ट देने का दिया निर्देश। और शिया वफ बोर्ड की संपत्ति पर भू माफियाओं की नजर, जाप के प्रदेश सचिव ने चेयरमैन पर लगाया एग्रीमेंट करने का आरोप। अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी को लेकर सरकार के आदेश पर देश भर में रेलवे द्वारा ट्रेनों का परिचालन बंद किए जाने के बाद पहली बार 12 सितंबर को भागलपुर से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। इसको लेकर गुरुवार से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग काउंटर खोल दिया गया है, जहां सुबह से ही टिकट लेने वालों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। हालांकि कोरोना से बचाव को लेकर इस दौरान कोई इंतजाम नहीं किया गया। लोगों ने जमकर 2 गज की दूरी नियम की धज्जियां उड़ाई और कई लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया था, जबकि कई लोगों के लिए मास्क शोभा की वस्तु बनी रही। कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन करीब 6 माह के बाद भी सरकारी तंत्र और आम जन कोरोना से बचाव के प्रति सजग नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिससे लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। स्टेशन अधीक्षक समर कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार से विक्रमशिला एक्सप्रेस समय से दिल्ली के लिए चलेगी। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन में सीट से अतिरिक्त टिकट नहीं कटेगा और यात्रियों को सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। हम ही भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में मौजूद हैं और आज 10 सितंबर से यहां पर टिकट काउंटर खोल दिए गए हैं। 12 सितंबर से विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन का यहां से दिल्ली के लिए परिचालन होना है। 25 मार्च को लॉकडाउन लगाए जाने के बाद से लगातार भागलपुर से ट्रेनों का परिचालन बंद था। हालांकि देश भर में इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लॉकडाउन के कारण ट्रेनों के परिचालन को बंद किया गया था, लेकिन भागलपुर में भी इसको लेकर जो ट्रेनों का परिचालन बंद रहा तो लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद लंबे पिछले 6-7 महीने के अंतराल के बाद आज जो ये टिकट काउंटर खुला है, तो इससे लोग सुबह से ही लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ देखी गई। सुबह 4 बजे से ही बताया जा रहा है कि यहाँ पे लोगों की भीड़ जुटी रही, लगातार लोग अपने टिकट लेने के लिए, अपने गंतव्य तक जाने के लिए टिकट के लिए लगातार परेशान नज़र आए। और हालांकि यहाँ कई तरह की लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि इस टिकट लेने के दौरान जो हालात दिखे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता कहीं भी नहीं देखा गया, चाहे वो सुबह की भीड़ हो या दोपहर की बात हो, या टिकट काउंटर पे लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता रहा। जिस कोरोना महामारी के भय से पूरे देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे लोग को कोरोना महामारी से बचाव हो सके। हालांकि अब फिलहाल कोरोना महामारी की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, 44 लाख से अधिक देश में आंकड़ा जा चुका है, लेकिन जनजीवन को सामान्य करने और रोजगार की समस्या जो हो रही है उसको देखते हुए रेलों का परिचालन शुरू किया जा रहा है रेलवे की ओर से, और इसको लेकर के टिकट काउंटर खोला गया, लेकिन इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और कई लोगों की यह भी शिकायत है कि फॉर्म भरने के दौरान कई ऐसी जानकारियाँ मांगी जा रही है जिसके बारे में उन्हें ना पहले मांगी जाती थी ना आज उन्हें पता है। सबसे बड़ी समस्या गंतव्य तक जो लोग जाते हैं तो वहाँ का पिन कोड और पोस्ट ऑफिस का जो नंबर मांगा जा रहा है तो वो लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बना है, जिसमें से काफ़ी संख्या में लोगों को इसके लिए वापस जाना पड़ा है। तो एक ये परेशानी लोगों की कायम है। एक और जहाँ लोगों की उम्मीद जगी कि अब ट्रेनों का परिचालन होगा, टिकट काउंटर से भी मिल सकेगा, पहले ऑनलाइन से सिर्फ मिलने की सुविधा थी, तो वहीं एक जो फॉर्म भरने में जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो एक लोगों के लिए एक नई समस्या बनती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सलमान अनवर के साथ रविशंकर सिन्हा, सिल्क टीवी, भागलपुर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर पुलिस काफी अलर्ट है। हबीबपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बुधवार की देर रात बड़ी घटना की साजिश रच रहे शातिर अपराधी धीरज पासवान को 5 जिंदा बम के साथ दबोच लिया। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद कई बदमाश पुलिस को देखकर भागने में सफल हो गए। मामले को लेकर थानाध्यक्ष शंभू पासवान ने बताया कि सालेपुर निवासी गोपाल पासवान का पुत्र धीरज पासवान अपने साथियों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इसी दौरान वरिया पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उसके ठिकानों पर छापेमारी की गई।
छापेमारी के दौरान धीरज पासवान के पास से 5 देशी बम बरामद हुआ। थानाध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए अपराधी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस जिला नवगछिया में ट्रक चालकों को बेहोश कर उनके साथ लूटपाट करने वाले गिरोह के एक सदस्य को नवगछिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी में अपराधी के पास से भारी मात्रा में नशीली गोली एवं ब्लेड बरामद हुआ। साथ ही पुलिस ने एक ऑल्टो कार भी जब्त किया है। अपराधी की पहचान उत्तर प्रदेश के बांदा जिला अंतर्गत जशपुरा थाना क्षेत्र निवासी दीपक शर्मा के रूप में हुई है। नशीली पदार्थ खिलाकर ट्रक चालकों से लूटपाट करने वाले गिरोह के सदस्य की नवगछिया में होने की गुप्त सूचना मिलते ही नवगछिया SP स्वप्ना जी मेसराम के निर्देश पर नवगछिया थानाध्यक्ष द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने टोल प्लाजा के पास खड़ी एक ऑल्टो कार से 1000 से अधिक संख्या में नशीली गोली एवं ब्लेड बरामद किया। साथ ही थानाध्यक्ष ने बताया कि सड़क किनारे जो ट्रक चालक खाना बनाते हैं उनके खाना में ये छुपकर नशीली गोली डाल देते हैं। खाना खाते ही ट्रक चालक को गहरी नींद आ जाती है और इसके बाद लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है। वहीं पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है। भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में चौकीदार अनुकंपा समिति की बैठक की। बैठक में चौकीदार की नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसके बाद DM ने स्क्रीनिंग कमेटी को नियुक्ति से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर अविलंब इसकी सूचना देने का निर्देश अधिकारियों को दिया। साथ ही कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद पुनः बैठक कर चौकीदार नियुक्ति पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मौके पर DDC सुनील कुमार, SSP आशीष भारती और नवगछिया SP स्वप्ना जी मेसरा मौजूद थी। देश भर में फैली वक्फ की जायदाद नेताओं और भू माफियाओं के हाथ में पड़कर बर्बाद हो रही है। बिहार में करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण भू माफिया के हाथों गिरवी हो रही है। प्रदेश में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड कमेटी के पास सैकड़ों संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं। शिया समुदाय के लोग मानते हैं कि बोर्ड की 40% संपत्ति पर अवैध कब्जा है। वहीं सूबे के मुखिया नीतीश कुमार अपने वर्चुअल संवाद में कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली आजाद पर शिया समुदाय के लोग ही कब्रिस्तान की जमीन को लीज पर देने और अवैध कब्जा करवाने का आरोप लगा रहे हैं। भागलपुर शिया यूथ कमेटी के सचिव शह जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव सैयद रागीब हसन ने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड कमेटी के चेयरमैन इरशाद अली आजाद ने गलत तरीके से वक्फ की संपत्ति का एग्रीमेंट भू माफियाओं को किया है। जाप नेता सैयद रागीब ने सरकार से मांग की है कि जिन लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड की दुकान, मकान और कब्रिस्तान की जमीन का गलत एग्रीमेंट बिल्डरों से करवाया उनकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इधर भागलपुर शिया वक्फ बोर्ड के जिला सचिव सैयद जिजा हुसैन ने कहा कि प्रदेश स्तर की जानकारी उनके पास नहीं है। साथ ही जिजा हुसैन ने बताया कि भागलपुर में कुछ वर्ष पूर्व लोगों ने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। अभी 2 दिन पूर्व जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने जो वर्चुअल रैली की थी, वो वर्चुअल रैली दरअसल एक्चुअल से बहुत दूर है। एक तरफ तो नीतीश कुमार जी ने उसमें कहा कि कब्रिस्तान की घेराबंदी की जा रही है, घेराबंदी हमने की, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री आपसे ये कहना है कि आप ही के पार्टी के नेता और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कब्रिस्तान की ज़मीन को लीज पर दे रहे हैं। इसके बारे में 3 तारीख को भी आप विभिन्न संस्थान द्वारा आपको आवेदन भी दिया गया। मैं भागलपुर शिया वक्फ बोर्ड का सेक्रेटरी हूं, और जहां तक भागलपुर का सवाल है, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ हम लोगों ने डेवलपमेंट के काम के लिए कुछ ऐसे वक्फ स्टेट हैं जहां के कुछ डेवलपमेंट का काम हो सके, उसका हम लोगों ने पूरा अपना यहां से प्लानिंग भेजा है, जो अभी तक हम लोगों को नहीं उसका जवाब आया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर।
ए चुनाव बस एगो नंबर याद राखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर में चोरी की घटना लगातार बढ़ती ही जा रही है। भागलपुर शाकचक थाना क्षेत्र के श्यामल दास लेन स्थित सुनीता सदन में बुधवार की रात चोरों ने घर का ताला तोड़कर सारा सामान एवं आभूषण गायब कर दिया। वहीं घटना को लेकर पीड़ित जमीन व्यवसायी अभिषेक झा ने बताया कि बुधवार वह अपने परिवार के साथ गांव गए थे, जिसके बाद मकान मालिक से चोरी की सूचना मिलने पर वापस आए तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और 15,000 नगद रुपए चोरी हो चुके हैं। बता दें कि इलाके में लगातार यह दूसरी चोरी है और पुलिस प्रशासन चोरों को पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही शाकचक पुलिस मौके पर पहुंची और पास में लगे CCTV फुटेज को खंगाला, जिसमें चोरों की गतिविधि देखने मिली। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। आज हमको मकान मालिक के फोन आने पे, मकान मालिक दिल्ली में रहते हैं, वो फोन किए कि हम जो है कि आपका घर का ताला टूटा हुआ है और सामने में एक मकान है, वो फोन किए हमारी वाइफ को कि आपके घर का ताला टूट गया है। तो हम लोग आके देखे थे, यहाँ गोदरेज से पूरा जेवर वगैरह सब कुछ, जेवर कैश था, नगद था, 4.5 लाख का जेवर था, बेटी का था, तिलकामांझी जी। भागलपुर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट हॉल में गुरुवार को समन्वय समिति के एक आवश्यक बैठक कन्वेनर एवं साइंस डीन डॉक्टर अशोक ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
इस दौरान TMBU में होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षा के पूर्व छात्रावासों को बारी बारी से खोलने का निर्णय लिया गया। बता दें कि 16 सितंबर से BCA की होने वाली परीक्षा को देखते हुए पहले चरण में BCA के छात्रों के लिए छात्रावास खोला जाएगा। वहीं PG छात्रावास को खोलने की सूचना छात्रों को बाद में दी जाएगी। BCA की पढ़ाई कराने वाले TNB मारवाड़ी और SM कॉलेज के प्राचार्यों को पत्र लिखकर परीक्षा से 2 दिन पूर्व छात्रावास खोलने का निर्देश दिया जाएगा। साथ ही छात्रावास को खोलने से पूर्व विश्वविद्यालय एवं छात्रावास को सैनिटाइज भी कराया जाएगा। समन्वय समिति के कन्वेनर डॉक्टर अशोक ठाकुर ने बताया कि विश्वविद्यालय का सर्वोपरि उद्देश्य छात्र हित है। 16 सितंबर से शुरू होने वाली परीक्षा के पूर्व विश्वविद्यालय स्तर पर मुकम्मल तैयारी की जा रही है। बैठक में DSW डॉक्टर राम प्रवेश सिंह, रजिस्ट्रार कर्नल AK सिंह, प्रॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राम सेवक सिंह, CCDC डॉक्टर KM सिंह, FO SSM बस्ट, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरुण सिंह व PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर उपस्थित थे। नवगछिया गोपालपुर प्रखंड के लत्ती पाकड़ निवासी समाज सेवी दंपत्ति अमृतेश कुमार सिंह और उनकी पत्नी मधु सिंह ने नवगछिया में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए 1 करोड़ रुपए का अंशदान देने की घोषणा की है। दंपत्ति ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि HRD मिनिस्टर निशांत जी से उनकी मौखिक बातचीत हुई है। सरकार की योजना है कि प्रत्येक प्रखंड में केंद्र विद्यालय खोला जाएगा। वहीं दंपत्ति ने कहा कि नवगछिया और आसपास के इलाके में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है और यहां शिक्षा का स्तर भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि गोपालपुर प्रखंड के लत्ती पाकड़ धरहरा +2 विद्यालय के पास 7.5 एकड़ जमीन है, इसीलिए +2 विद्यालय को ही केंद्रीय विद्यालय में प्रोन्नत करने से यहाँ के छात्र छात्राओं को काफी फायदा होगा। बता दें कि 1 करोड़ रुपए अंशदान देने और केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव सिंह दंपत्ति ने नवगछिया के SDO के माध्यम से सरकार को भेजा है। इसके साथ ही नवगछिया अनुमंडल में कृषि, बेहतर स्वास्थ्य, गोपालपुर से कहलगांव गंगा नदी पर पुल, केंद्रीय विद्यालय समेत कई विकास कार्य करवाने की घोषणा अमृतेश कुमार सिंह ने की है। प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अनुज कुमार चौरसिया एवं सुजीत कुमार सिंह मौजूद थे। देखिए, मातृभूमि हमारी है, बाबूजी की जन्मभूमि है और बाबूजी के याद में नवगछिया में हम केंद्रीय विद्यालय देने के लिए अग्रसित हैं। 40 साल पहले भी नवगछिया पिछड़ा हुआ था, आज भी पिछड़ा हुआ है शिक्षा के मामले में और व्यवहारिक रूप से पिछड़ा हुआ है। बाढ़ बहुत सारा विषय है। हम चाहते हैं कि सरकार का ध्यान आकर्षण हो, इसके लिए मैंने 4 करोड़ का तय किया है कि 4 योजना के लिए मैं 4 करोड़ दे रहा हूँ, प्रति योजना 1 करोड़। वो SDM साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र दे रहा हूँ। पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत परबत्ता थाना क्षेत्र के छर्रापट्टी गंगाधार में मंगलवार की सुबह 19 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान जगतपुर निवासी कीरो यादव के पुत्र सौरभ कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप यादव घटनास्थल पर पहुंचे और SDRF को सूचना दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परबत्ता थाना पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। बता दें कि SDRF की टीम द्वारा 2 दिन तक काफी खोजबीन करने के बाद गुरुवार को शव की बरामदगी की गई, जिसके बाद परबत्ता थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये कीरो यादव है, जगतपुर पंचायत के, उन्हीं का लड़का है छोटा। क्या नाम है जी? नाम क्या है? सौरभ कुमार। वैश्विक महामारी कोरोना की बढ़ती संक्रमण को लेकर जगदीशपुर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जगदीशपुर के अंगारी गांव में कोरोना जांच शिविर लगाया गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अंगारी गांव एवं आसपास के 100 लोगों की सैंपल ली। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि जिनका भी जांच नहीं हो पाया उनका सैंपल अगले शिविर में लिया जाएगा। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 5 माह बाद टिकट काउंटर खुलने से स्टेशन परिसर में उमड़ी लोगों की भीड़, सरकारी गाइडलाइंस की जमकर उड़ी धज्जियां। बड़ी घटना की साजिश रच रहे एक अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 5 जिंदा बम बरामद। ट्रक चालकों को नशीली दवा खिलाकर लूटपाट करने वाले अपराधी को नवगछिया पुलिस ने दबोचा, भारी मात्रा में दवा बरामद। चौकीदार की नियुक्ति को लेकर DM ने अनुकंपा समिति की बैठक, स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर रिपोर्ट देने का दिया निर्देश। और शिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर भूमाफियाओं की नजर, जाप के प्रदेश सचिव ने चेयरमैन पर लगाया एग्रीमेंट करने का आरोप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।